और एक अमेरिकन ऑथर, अमेरिकन फिजिसिस्ट, उसने एक बुक लिखा दी 100, अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री। इस किताब में उसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो आज के दौर तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, उन सबको उसने जमा किया और 100 लोगों को उसने चुना जो सबसे प्रभावशाली, सबसे पावरफुल, सबसे सक्सेसफुल है पूरी हिस्ट्री में। वो 100 लोग उसने चुना और उसमें नंबर वन पर कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब में नंबर वन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द 100, अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। और उसने रीजन दिया, ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल पर्सन ऑन बोथ द रिलीजियस एंड द सेक्युलर लेवल। ये बुक किसी मुसलमान ने नहीं लिखी, एक क्रिश्चियन आदमी कह रहा है, क्रिश्चियन ऑथर, क्रिश्चियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, वो तहकीक करके कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कामयाब इंसान, सबसे बेहतरीन इंसान। तो हमारे लिए एग्जाम्पल कौन होना चाहिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको फॉलो करना चाहिए, किसकी इताअत करना चाहिए?